फ्रेंड आज फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि जो फसल है, जो फसलों को निकालने के लिए जो कृषि यंत्र जरूरी है वह कटर मशीन, कटर थ्रेसर। तो आपके सामने वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है कटर थ्रेसर हमने खरीदी है। ये आपको देख रहे दिखा लिखा हुआ कैलाश कृषि यंत्र उद्योग NHB, मतलब मैं राजस्थान का हूँ। तो हमने जयपुर से बगरू से यह मशीन खरीदी है और ये इस मशीन से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, जीरा गेहूँ सब, सरसों जो सब, चावल वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ये पुल्लियाँ हैं जो मेन जो इसको थ्रेसर को घुमाती है नीचे से। आपको दिखा ये जो पंखे की बेल्ट आप कोई से भी रख सकते हो, कम हवा ज़्यादा हवा बनाने के लिए अभी ज़्यादा पर रखा है, कम बनाना है तो इस पर रखना है, उससे भी कम हवा रखनी है। जीरे की फसल के अंदर इसमें जो कम है उसमें चलता है। और ये व्हील है जो मशीन को जो अलाइनमेंट बनाए रखता है। और ये है जो यहाँ से अनाज बाहर निकलता है। और ये जो 3 फैन का फैन, ये हवा जो उससे कचरा वगैरह उससे उधर चल जाओ। और ये है जो 3 फैन तो यहाँ से जो कचरा कोई भी गिरता है तो वो ऊपर यहाँ से हो तो इसको नीचे कम या ज़्यादा करने का यहाँ से है, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ से, और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर जो लिख दिखा है, और यहाँ से अपनी भाई कुछ अलग तो नहीं हो रहा, तो आप अंदर भी इससे देख सकते हैं। यहाँ से कुछ भी निकाला अनाज के, मतलब ये जो चालना है ये इस पर गिरता है कटने के बाद, तो उसमें क्या गर्भ कुछ खराब तो नहीं आ रहा, कुछ चालने के अंदर पस तो नहीं गया डेंटल वेंटल, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ। ये है जो इसको घुमाने का, जो आपको ऊपर से दिखाऊंगा, जो जीरा हो और जो भी सूखी फसल मूंग उड़द जो भी हो वो आप यहाँ से ऊपर से डाल सकते हो। ये इस तरह खुलता है और ये देख लीजिए। और ये है जो इससे घुमाना मेन है जो वो ये बेल्ट मैंने अभी निकाली हुई है, इस बेल्ट से आपको दिखाई दे रहा है ये घूमता है। तो बहुत ही अच्छा है जीरे की और सब फसल आपको, और जो जैसे गेहूं है जो है सरसों वगैरह कुछ आपसे इसमें से आप पीछे से निकाल आराम से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आराम से देख लीजिए यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गेयर बॉक्स है, ये गेयर बॉक्स है और ये क्रोसे हैं जो इसको घुमाती है अंदर ले जाने के लिए। और यहाँ पे है जो कटर पत्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है, उससे क्या आगे आपके ये ड्रम जाल के अंदर जाएगा, इसे आपसे जुड़ने के बाद में ही वो आगे निकलेगा, उसमें जाके जाने के बाद में। ये देख लीजिए इसका और भी है, मतलब यहाँ से आप उतार सकते, इसको बंद करके उधर से खोल सकते हैं। तो आप अपने पशुओं के लिए जहाँ को ज्वार की कुट्टी करनी, कोई से भी कुट्टी गुहार की कुट्टी करनी आप कर सकते हैं। वो देख लीजिए, ये आपको चालना में दिखाता हूँ। यहाँ से आप इसे कम हवा ज़्यादा कमती करते उठा रहा तो उसे ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। और इस बेल्ट ये देख लीजिए, आपको ये पीछे का जो कुट्टी चलने के लिए ये जुगाड़ इसको दिया है। और यहाँ से ये जुगाड़ देख लीजिए आप बेल्टों के, मतलब मेन सापट से इसमें यहाँ से दे दिया। अब आगे की बात चलते हैं, पंखे कितने हैं इसमें, तो इसमें पंखे की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें 2 पंखे हैं। ये है जो मेन, ये आपको पंखुड़िया दिखाई दे रही है, मेन पंखा जो ये है, ये आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। इसमें जो 4 पंखुड़िया है, इसका घिसने के कारण छेद हो गए थे, उस छेद को हम बंद करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा। और ये अब मैं दिखा रहा हूँ 3 फैन, ये 3 फैन उससे क्या मैं आपको बताया था कि ये देख लीजिए, ये इससे क्या ऊपर नीचे करने से, और यहाँ से जो का कचरा बाहर इधर आएगा, मतलब हवा चलने के बाद अनाज इस तरफ निकलेगा। यहाँ चलना जो ये डंटल है अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये डंटल इधर की साइड आपको गिर जाएगी, तो क्या आपकी जो अनाज होगा कोई सा भी उसमें नहीं आएंगे। और ये है जो चालने की घुमाने की बेल्ट है। तो फ्रेंड ये हमारे लेना जब
3 लाख की थी तो आप खरीदना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों से, और आपको जो भी पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऊपर है जो ये ड्रम जालियां हैं, मतलब ये ऊपर वाली, ये चने की है, ये जो गेहूं की है, और ये मक्का निकालने की है, और ये चालने आपको इसमें साथ ही जो भी सब सब इसका चीज आता है उसमें आपको साथ में ही इसके मिल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई तकनीकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद।